हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो जानकारी हम वीडियो शेयर कर रहे हैं, जैसा कि हमने जो यह गाय परचेस करी थी तो धीरे धीरे इसने अडर दिखाना चालू कर दिया है। धीरे धीरे इसका दूध जो है बनना चालू हो गया है। तो कैसा ये अडर दिखाती हैं आपको रोज़ाना अपडेट देते रहेंगे। तो इस गाय की जो प्राइस की बात हमने करी थी तो प्राइस इसका लगभग 57,000 के आसपास कुछ है। और अडर आप देख सकते हैं धीरे धीरे बनाना चालू कर दिया है। तो कैसा अडर यह बनाती हैं? दुबली ज़रूर है, थोड़ी सी कम खान पान वाले घर की ज़रूर है, पर गाय की जो नस्ल है अच्छी है, प्राइस के हिसाब से अच्छी है। हमारे यहाँ पे तो यही प्राइस चलता है और बाकी जो गायें हैं लगभग सभी 75,000 के आसपास की हैं। हमारे पास कुछ ज़्यादा की भी हैं, तो उस हिसाब से वह गाय हमें काफ़ी अच्छे दाम लगे उसके। और बात करें तो आज इस वाली बछड़ी की जो हमारी प्योर एजेप है, इसकी भी AI हमने करवा दी है प्योर एजेप के सीमन से। तो काफ़ी शानदार यह बछड़ी है, लगभग अच्छा मिल्किंग यह दे सकती हैं फर्स्ट लैक्टेशन में। आप देख सकते हैं जो इसका जो चेहरा है काफ़ी शानदार है, बनावट काफ़ी अच्छी है, जो हाइट है बछड़ी की वो भी काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं क्वालिटी। तो इसी प्रकार की यदि लगभग 10 बछड़ी भी आप रख लेते हैं और वह एक साल में तैयार हो जाती हैं, लगभग एक एक साल की बछड़ी आप ख़रीद लीजिए, उस प्रकार से एक एक साल में उनकी AI हो जाएगी तो काफ़ी शानदार रिज़ल्ट आपके फार्म पे वह देगी। तो यह वाली बछड़ी, इसकी भी AI करवा दी थी हमने, इसकी गिर के सीमन से करवाई है। तो फिलहाल तीन ही बछड़ियाँ हैं, दो प्योर HF हैं, एक जर्सी का मिक्स है, दो की AI हो चुकी हैं, एक अभी बाकी हैं। बाकी सारी गायें भी प्रेग्नेंट हैं, लगभग एक के बाद एक ड्राई पीरियड में जा रही हैं। दो गाय ड्राई हैं हमारे पास, एक वह है और एक और वह है, तो दोनों अभी बिल्कुल दूध नहीं दे रही हैं। एक और ड्राई हो चुकी हैं, लगभग तीन ड्राई हैं, यह वाली भी यह बीच वाली यह ड्राई हैं। तो इसकी भी खूबसूरती काफ़ी अच्छी है, चेहरे की बनावट काफ़ी अच्छी है, प्योर HF के लक्षण हैं। तो आप देख सकते हैं यह हमारा छोटा सा फार्म, कैसे लगते हैं हमारे वीडियो कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। दूध हम मशीन से निकालते हैं, तो यदि मशीन से आप मिल्किंग करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी यह बरते कि इसके जो क्लस्टर हैं इनमें दूध जमना नहीं चाहिए, इसकी जो सफाई है टाइम टू टाइम होना चाहिए। तो क्लस्टर वगैरह की सफाई, यदि केन बाहर से गंदी है कोई दिक्कत नहीं है, केन क्लस्टर अंदर से साफ़ होने ज़रूरी हैं। और इन जो लाइनर हैं इनको चेंज कर लीजिए आप एक साल में लगभग, ये जो रबर के जो लाइनर होते हैं इनको एक साल में चेंज करने की आवश्यकता ज़रूर होती है, जिससे कि बेहतर परफॉर्मेंस मिल्किंग मशीन का हो सके। तो कल हम वीडियो बनाने वाले हैं कि यदि आपके फार्म पर बार बार मस्टाइटिस होता है तो आप क्या सावधानी बरत सकते हैं जिससे कि मस्टाइटिस ना हो। हमारे फार्म पर मस्टाइटिस जैसी समस्या बहुत कम रियर केस होती हैं, अन्यथा नहीं होती हैं, और वह समस्या छोटी सी होती है और समाप्त हो जाती हैं। तो कल बताएंगे कि मस्टाइटिस से दूर रहने के क्या उपाय हैं आपके फार्म पर। जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।